फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर दिल्ली पुलिस लखनऊ चली गई। बीती रात करीब 11:30 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। लखनऊ से दिल्ली पुलिस तोमर को फैजाबाद ले जाएगी, जहां फर्जी डिग्री मामले की जाँच की जाएगी। माना जा रहा है कि 4 दिनों के अंदर तोमर को दिल्ली पुलिस फैजाबाद के अलावा भागलपुर, मुंगेर, बुंदेलखंड भी पूछताछ के लिए ले जा सकती है। जितेंद्र सिंह तोमर ने फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तोमर का इस्तीफा कबूल कर लिया है। आज उपराज्यपाल को तोमर का इस्तीफा भेजा जाएगा। फर्जी डिग्री मामले में तोमर को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी का प्लान मंगलवार सुबह 3 बजे रचा गया था। पहले उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और फिर मंगलवार सुबह 5:30 बजे समन जारी किया गया। बाद में 10:30 बजे तोमर को पुलिस पकड़ कर ले गई। शाम को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तोमर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मंगलवार को तोमर की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वसंत विहार थाने के बाहर घंटों जमे रहे। साकेत कोर्ट के बाहर भी तोमर की पेशी के दौरान आप कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहीं तोमर को लेकर यूथ कांग्रेस ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो BJP ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को जायज बताया। तोमर की गिरफ्तारी LLB की फर्जी डिग्री और BSc की फर्जी डिग्री के आरोप में हुई है। तोमर का दावा है कि उनकी डिग्रियां सही हैं, जबकि दिल्ली पुलिस को इसमें फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है। तोमर की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे BJP की साजिश करार दिया है। आम आदमी पार्टी अब इस मामले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेगी। Whatever the court has ordered, we respect with dignity, respect with humility and politeness. But we also have right to challenge the order of the court in the superior court. LG और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर और मोदी सरकार हम लोगों को मुकदमे और थाने से डरा रही है, जिसको हम कुछ समझते नहीं है। वो मुकदमे 1 नहीं 1000 लिखे, थाने में जेल में 1 नहीं 1000 बार भेजे, इसकी कतई चिंता नहीं है। फर्जी डिग्री मामले में तोमर की गिरफ्तारी से केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मामले से गृह मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करता है। मैंने गृह मंत्रालय यह सब काम नहीं करता है, कानून अपने तरीके से अपना काम करता है। गृह मंत्रालय के द्वारा किसी मामले में हस्तक्षेप किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तोमर की गिरफ्तारी मामले में मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। विजयवर्गीय ने कहा कि ये पार्टी तात्कालिक घटना दुर्घटना का प्रोडक्ट है। केंद्र सरकार बहुत बड़ा है और आप पार्टी एक छोटे से दिल्ली जैसे इंदौर की नगर निगम जैसी सरकार बना के बैठी है। केंद्र सरकार क्या फुर्सत है कि वो इनके ऊपर षड्यंत्र रचेंगे, खटमल मच्छर के ऊपर भी केंद्र सरकार षड्यंत्र रचेगी। दिल्ली में ACB प्रमुख का पद मुकेश सिंह मीणा ने संभाल लिया है। दिल्ली सरकार के विरोध के बावजूद मीणा ने LG के आदेश का पालन करते हुए ACB प्रमुख का पद संभाला। इस बीच दिल्ली सरकार ने जॉइंट CP मीणा की ज्वाइनिंग कराने वाले गृह सचिव धर्मपाल के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया और निर्देश दिया कि वो LG को रिपोर्ट करें। LG दफ्तर से इस मुद्दे पर जवाबी बात करते हुए कहा गया कि दिल्ली सरकार सिर्फ LG की सलाह से ही इस बारे में फैसला कर सकती है, ऐसा नहीं किया गया, इसलिए मुकेश मीणा और धर्मपाल दोनों अपने पद पर बने रहेंगे। नायडू और KCR की जंग दिल्ली पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू फोन टैपिंग मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4:00 बजे मुलाकात करेंगे। वहीं 7:00 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी चंद्रबाबू नायडू मुलाकात करेंगे। इस बीच कैश फॉर वोट घूसकांड मामले में ACB तेलंगाना ने फोन टैपिंग करने से साफ इनकार कर दिया है। फोन टैपिंग मामले में हैदराबाद में TDP दफ्तर के बाहर TRS और TDP समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से चप्पल जूतों की बरसात हुई, समर्थकों में महिलाएं भी थी। पुलिस के बीच बचाव के बाद यह हंगामा थमा। हैदराबाद को लेकर आंध्र कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि हैदराबाद में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यपाल की हो।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी की है। इस मौके पर मोदी के 3 मंत्री दुनिया के बड़े शहरों में होंगे। विदेश मंत्री अरुण जेटली सैन फ्रांसिस्को में होंगे, जबकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज न्यूयॉर्क में होंगी। वहीं रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लंदन में होंगे, जबकि दिल्ली के राजपथ पर 5,000 छात्र योग दिवस पर हिस्सा लेंगे। पूरे देश में 11 लाख एनसीसी कैडेट योग दिवस पर योग करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि योग दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग नहीं करेंगे। योग पर विवाद के बीच सुषमा ने कहा कि योग दिवस पर लोगों की भागीदारी जरूरी नहीं होगी, लोग अपनी इच्छा से इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके बावजूद असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके राज्य में किसी भी तरह का कार्यक्रम नहीं होगा। इन कार्यक्रमों में भागीदारी की कोई बाध्यता नहीं है, ये स्वयं इच्छा से स्वेच्छा से लोग इसमें आए और पार्टिसिपेट करें, ये हमारा इसमें मूल उद्देश्य है। किसी को भी मजबूरी से हम ना लाएं, किसी को भी कंपलसरी करके हम ना लाएं। सबदुर ये संदेश दे दिया गया है कि लोग अपने आप आए, स्वेच्छा से आए, और जो स्वेच्छा से आएगा वही भागीदार बन सकेगा, किसी को भी मजबूरी से हम नहीं ला रहे। भारतीय सेना ने पहली बार सरहद लांघकर अपने दुश्मनों से बदला लिया है। म्यांमार की सीमा में घुसकर 20 उग्रवादियों को मौत के घाट उतार दिया। मणिपुर में 18 जवानों की शहादत के बाद सेना का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कमांडोज ने म्यांमार के साथ तालमेल बिठाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ऐसे मिलिटेंट कैंप्स को बर्बाद करने के लिए हिंदुस्तान की सेना स्पेशल फोर्सेस म्यांमार के काफी अंदर भीतर जाकर 2 ऐसे मिलिटेंट्स के कैंप्स को नष्ट करा। इस ऑपरेशन के अंदर भारतीय सेना का एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ और ये दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुल हैं। फर्जी मार्कशीट के मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया को आगरा जिला सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया है। काफी समय तक चर्चा में रहे फर्जी मार्कशीट मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत ये मुकदमा हुआ था। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद कठेरिया ने खुशी जाहिर की, लेकिन दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। दिल्ली के जामिया नगर में मामूली कहासुनी पर एक दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। खून से लथपथ हालत में पीड़ित को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 25 में एक कारोबारी के घर 1 करोड़ की चोरी से हड़कंप मचा हुआ है। रियल एस्टेट के कारोबारी रमेश बंसल पूरे परिवार के साथ शादी में गए हुए थे। 2 घंटे बाद घर लौटने पर सभी ताले खुले मिले। चोर 45 लाख कैश और जेवर लेकर फरार हो गए। यूपी के मेरठ में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक लड़के से प्यार करने की खातिर भाई ने बहन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूरे मामले में बोलने से बच रही है। पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। राजकोट में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से दिन दहाड़े 17 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस केस दर्ज कर इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में बीती रात एक प्ले स्कूल में आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती सब कुछ खाक हो गया था। फिलहाल आग की वजह का पता नहीं चल सका है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में नौकरी का झांसा देकर एक युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवती का कहना है कि आरोपियों से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने पहले मिलने के लिए बुलाया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर 3 दरिंदों ने एक नाबालिग लड़की को कुएं में फेंका और फरार हो गए। लड़की की चीख पुकार सुनकर बाद में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और लड़की को कुएं से बाहर निकाला। पीड़ित लड़की के मुताबिक पड़ोस के गांव के 3 लड़कों ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और फिर सुनसान जगह ले जाकर उससे रेप की कोशिश की। पुलिस फिलहाल 3 आरोपियों की तलाश में है। मंगलवार रात नोएडा के सेक्टर 63 में एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसने 4 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया।
बाद में दमकल की करीब एक दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग की वजहों का अभी पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आइसक्रीम खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। गंभीर रूप से बीमार 44 बच्चों को इलाज के लिए जबलपुर भेजा गया है। ग्रामीणों के मुताबिक आइसक्रीम खाने के बाद बच्चों को उल्टियां आनी शुरू हो गई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लड़कियों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें होटल का मैनेजर और एक कर्मचारी भी शामिल है। एक मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने इस होटल पर छापा मारा था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से पुलिस ने एक ऐसी शातिर महिला को गिरफ्तार किया है जो नकली दुल्हन बनकर लोगों को लूटती थी। पुलिस ने आरोपी महिला के साथ उसके गिरोह के 4 और सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला अपना नाम बदलकर अलग अलग युवकों से शादी रचाती थी और फिर उनके घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। रोहतक के PGI अस्पताल में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन जन्म के फौरन बाद सभी बच्चों की मौत हो गई। नवजात बच्चों की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। बच्चों को जन्म देने वाली मां की हालत गंभीर बनी हुई है। रक्सौल में एक अस्पताल से अचानक 8 महीने का बच्चा गायब हो गया। नेपाल की रहने वाली महिला अपने बीमार बच्चे का इलाज कराने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन इलाज के दौरान अचानक से उसका बच्चा गायब हो गया। CCTV फुटेज में एक महिला को बच्चे को अपने साथ ले जाते देखा गया है। बदलापुर के आश्रम में हुई तोड़फोड़ और मारपीट की घटना के आरोपी NCP के नगर सेवक को पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नगर सेवक आशीष दामले विदेश भागने की फिराक में था। आश्रम में हुई तोड़फोड़ और मारपीट की घटना में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 चोरों ने एक दुकान में सेंधमारी की और फिर 3,00,000 कैश लेकर फरार हो गए। दोनों चोर कितने शातिर थे, इसका पता इसी से चलता है कि उन्होंने सिर्फ 3 मिनट में ही चोरी की इस वारदात को अंजाम दे दिया। चोरी की ये वारदात CCTV में कैद हो गई है और पुलिस अब इन चोरों की तलाश कर रही है। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपने खिलाड़ियों को जीत का मंत्र दिया। विराट ने अपने खिलाड़ियों को हर सेशन जीतने की सलाह दी है। मैच से पहले बांग्लादेश के कोच और कप्तान ने फतुल्लाह की पिच को लेकर नाराजगी जाहिर की है। पिच पर घास देखने के बाद बांग्लादेश के कोच ने कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसी पिच नहीं देखी। इंग्लैंड ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी। एक तरफा मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 210 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रूट और बटलर की शतकीय पारियों की बदौलत 4 विकेट खोकर 408 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 31.1 ओवर में 198 रन बनाकर आउट हो गई।